नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग पे आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, आज का विषय है पेट। मेरे खरगोश दोनों बच्चे हैं, इनका नाम है ईबा और ईबू। ये मेरे बच्चे जो थे पहले, वो उसके नाम से ही मैं इसका नाम रखी हूँ। मेरा बच्चा था बाबू, तो उसके नाम से मैं इसको रखी हूँ ईबा और ईबू। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों में रख रखाव जो है बहुत ही सावधानी से इनको रखना है। जितना बन पड़े इनको ठंडे जगह पे रखा जाए। ये तो मेरे पास ऐसे गोद में रहते हैं और मेरे से जितना अटैचमेंट है इन लोगों को घर में और दूसरे किसी भी सदस्य के साथ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं इन दोनों को सबसे पहली बार नहाई हूँ और एक बच्चा जो है दोनों में से बहुत अच्छा पानी में आराम से रहा और कोई परेशानी नहीं किया, बहुत आराम से नहाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से उसके कान को पकड़ ली और उसके बाद से आराम से पकड़ी हूँ, जिससे उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और मैं इसलिए पकड़ी हूँ क्योंकि उसको मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो उसके जो आँख है वो बंद है और उसके हाथ को मैं आराम से पकड़ी हुई हूँ ताकि उसको भरोसा मिलता रहे। और ये पानी जो है ठंडा है और हल्का गर्म है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं। देखिए वो कितने आराम से बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है, मैं उसको नहाने की कोशिश की तो वो बहुत जल्दी भाग गया और बहुत नखून लगाने लगा। मुझे लगा कि वो डर रहा है पहली बार पानी से, तो मैं उसको गीले तौले से उसको फिर पोंछ दी हूँ और इस तरह से उसको रखी हूँ। दोनों बच्चे जो हैं, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है क्योंकि एक मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और इस वजह से वो थोड़ा सा रूड बिहेव भी करने लग जाता है, क्योंकि उसके मन के विपक्ष जाने से ही वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है और हल्का सा बाइट लगाने की कोशिश करता है। देखिए, मैंने इस बच्चे को गोद में लिया हुआ है और ये बहुत आराम से नहाया हुआ है। तो नहाने के बाद से मैं ये इन लोगों को अच्छे से पोंछ देती हूँ और मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ कि ये स्वयं साफ़ करे, सुखा ले। हालांकि दूसरा वाला जो रैबिट है वो आकर इसको पोंछ दे रहा था, साफ़ कर रहा था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो गर्मी चूँकि यहाँ 42 डिग्री है, तो मैं इसको अपने हाथ से पोंछ दी और लगभग 10-15 मिनट में इसके पूरे सूख गए। जितने भी पानी थे उसको मैं अच्छे से तौले को पकड़ के रखी और उसके बाद पूरा पानी सूख जाने के बाद मैं इनको छोड़ दी। तो देखिए, जो बचा हुआ था वो इस तरह से अपने आप उसको चाट कर वो साफ़ कर लेते हैं। लेकिन बच्चे के जो पाँव हैं वो बहुत गंदा है क्योंकि मैं उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई। उसको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पहले ही दिन मैं उसके नखून को काट दी हूँ और वो बहुत ज़्यादा नखून लगा रहा था मेरी बेटी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी उसके साथ में थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती है, उसको प्यार करती है और उसको दबाती है, उसके मुंह में हाथ डालती है, तो रैबिट को पसंद नहीं आता ये सब, लेकिन वो करती है। लेकिन मना करने से भी, चूँकि वो भी छोटी है, वो भी बाहर से आई है, उसको भी पकड़ने का मन करता है, ये बहुत क्यूट है तो अपने पास रखने का मन करता है। लेकिन ये मेरे पास ज़्यादा रहते हैं बच्चे तो मुझे ज़्यादा पहचानते हैं। हालांकि धीरे धीरे वो भी उसको भी पहचान लेंगे और मेरे हाथ इस तरह के हैं, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे ज़्यादा बिल्कुल नखून नहीं लगाता है। और देखिए, बहुत शांत से रहते हैं। देखिए, दोनों बच्चों को नहाने के बाद मैं जब ली हूँ तो दोनों एकदम शांत से हैं। लेकिन जो मेल है वो कभी कभी वो जंप कर जाता है। और फ्रेंड्स, ये अभी गर्मी का दिन है तो ये थोड़ा धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं खा रहे हैं। धीरे का मतलब खाने का जो गैप है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और क्वांटिटी भी बहुत पहले से कम हो गया है क्योंकि ये इनको फ़ैन के नीचे रहना पसंद है। और लेकिन एक जगह पे तो ये रहते नहीं है, तो सब जगह का फ़ैन तो चला नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक घर में बंद कर देती हूँ और फ़ैन लगा देती हूँ। देखिए, ये जो बच्चा है वो ज़्यादातर टाइम गोद में रहना पसंद करता है और ये फीमेल है। और इसका जो नेचर है वो हर समय हाथ से खाना खाने का
और वो घूम फिर करके अपने हाथ से खाना नहीं खाती है, मुझे उसको खिलाना पड़ता है। लेकिन मेल जो है वो दूर दूर में रहता है, उसको पसंद नहीं है उतना ज़्यादा। वो भी खाता है लेकिन अब वो अपने से उठाकर खाना खाना पसंद करता, वो दूर में रहता है। देखिए, और दोनों में से एक बच्चे की मैं दांत चेक करी तो मुझे एक का दांत टूटा हुआ मिला। तो कुछ दिन पहले मैंने देखा, नोटिस किया हुआ था कि वो सीमेंट के डेटों पर वो दांत लगा रहा था और नाखून भी लगा रहा था, तो शायद उस वजह से उसके दांत टूट गए होंगे। कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का समय है तो खाने के बाद पानी बहुत रखें और ऐसे खाने दें उनको जो घास की मात्रा बहुत ज़्यादा दे। और ये जो सब्जियां हैं जिसमें पानी वाली सब्जियां हैं वो सब दें इनको, बहुत ज़्यादा भाजी ना दें क्योंकि अभी लूज मोशन अगर हो जाए गर्मियों में तो उनको भी बहुत परेशानी आएगी और फिर बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में ख़ास ध्यान रखें कि बच्चे पानी पी रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा खाना भी ना दे, बच्चे कम खाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा बल्कि बच्चों को डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा और खाने का जो गैप है मेंटेन करें। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के अंदर रखें, बिल्कुल बाहर ना रखें। बच्चे छोटे हैं तो वो जम करेंगे, चोट लगेगी। और ये जो बच्चा है नहा रहा है पहली बार, तो मैं इसको चेक करूँगी कि इसके नहाने के बाद इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, छींक रहा है कि नहीं बच्चा। अगर ऐसा देखूंगी 2 दिन 3 दिन तो फिर मैं उसको रेगुलर नहाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि इनका शरीर बहुत गर्म होता है इसलिए इनको नहाना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियाँ बहुत बढ़ी है हमारे यहाँ तो इसलिए मैं इनको नहाने की व्यवस्था रेगुलर करती हूँ, चाहे पानी कम ही हो या पूरे पानी के नीचे डालूँ या ना डालूँ, लेकिन भींगे वाले जो कपड़े होते हैं उनसे उसका जो बॉडी है स्पंज करवा दूँ तो इससे उसको आराम भी मिलेगा और थोड़ा कान में पानी जाने की जो समस्या है हम उससे बच भी सकते हैं और रैबिट को इससे भरोसा भी रहेगा हमारे ऊपर। क्योंकि आपका बच्चा अगर पहली पहली बार नहा रहा है तो पानी से परिचय करवाएं। बच्चा तो हर चीज़ खा ले रहा है, ये इसको मैं मंदार के फूल खिलाना सिखाई हूँ। और वैसे तो ये चांदनी के फूल खा लेता है और दूसरे दूसरे तरह के वैरायटीज़ वाले मंदार के फूल भी खाते हुए मैंने देखा है इसको। भाजियाँ सब तरह की खा लेता है, सब्जियाँ भी खा लेता है, स्पेशली इसको बीन्स खाना बहुत पसंद है, गाजर खाना बहुत पसंद है, आलू खा लेता है। और इसके बाद में वो भी खाना बहुत पसंद करता है जो कुम्हरे के जो छोटे छोटे बीज होते हैं, वो भी मैंने इसको देखा हुआ है खाते हुए। और कभी कभी मैंने इसको लहसुन खाते हुए भी देखा है, देखिए मंदार के पत्ते को भी खा जाते हैं ये लोग। फ्रेंड्स, अभी रात में 9:30 बज रहे हैं और बच्चे ये घूम रहे हैं तो स्वस्थ बच्चे हैं और इनको कभी अगर थकावट लगती है तो मुझे समझ में आ जाता है तो मैं नमक चीनी का घोल दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से रहिएगा, अपने बच्चों को उनकी परवरिश भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। लास्ट में मैं इनको इस तरह ढाक देती, मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।